Hey guys, welcome to all of you on our channel, that is Edu Mandla. So in today's lecture, we will be covering your state of Awadh. So basically, we are discussing the 18th century India in terms of the political scenario. तो ये जो लेक्चर है दैट इज़ पार्ट ऑफ यूर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड ऑन आर चैनल. तो ऑलरेडी हम 3-4 लेक्चर्स इसके कवर कर चुके हैं एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी द प्रीवियस लेक्चर्स दैन यू कैन गो इन द प्ले लिस्ट एंड कैन चेक द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल सो दैट अ कॉन्टीन्यूटी कैन बी इस्टेब्लिश्ड वैन यू कवर योर सिलेबस फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हम जब बात करेंगे अवध के बारे में तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. इन दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द अवध. तो जो अवध स्टेट थी वो आपकी सिचुएटेड थी गैंजिस के नॉर्थ बैंक एंड हिमालयाज के बीच में. एंड इसका जो ये तो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गया कि नॉर्थ बैंक गैंजिस का था एंड हिमालयाज जो थे वो नॉर्थ की तरफ थे एंड नॉर्थ बैंक ऑफ गैंजिस वाज बेसिकली टुवर्ड्स इट्स साउथ. तो ये जो आपकी नॉर्थ साउथ बाउंड्रीज बनाती थी और वेस्ट और ईस्ट बाउंड्रीज कौन सी बनाती थी. तो जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट थी दैट वाज बेसिकली फॉर्मिंग द वेस्ट वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ योर स्टेट ऑफ अवध और जो रिवर कर्मनासा है वो ईस्ट में थी एंड इट वाज फॉर्मिंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ अवध. तो 18th सेंचुरी की जो ये स्टेट है अवध की वो काफ़ी प्रोस्पेरस थी और ट्रेड जो है एंड एग्रीकल्चर है एंड अदर जो रिलेटेड कमर्स है वो काफ़ी अच्छा चल रहा था. तो अच्छा खासा वहाँ से एक तरह से ग्रोथ हो रही थी इकोनॉमी की. एंड ये जो थी स्टेट ऑफ अवध ये ऐसा नहीं था कि कोई इंडिपेंडेंट स्टेट थी. ये मुगल एम्पायर का इंटेग्रल पार्ट थी जब मुगल एम्पायर अपने टॉप पे था दैट इज व्हेन इट वाज एट इट्स जेनिथ. So now we will be looking into the aspect of its autonomy. So when did it become autonomous? तो जो आपकी ऑटोनोमस स्टेट है वो बेसिकली बनती है इन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ बुरहानुल मुल्क. तो बुरहानुल मुल्क जो हैं वो इसकी फाउंडेशंस ले करते हैं अवध की एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. एंड ये जो बुरहानुल मुल्क हैं इनको सादत खान के नाम से भी जाना जाता है एंड ही वाज अ नोबल ऑफ ईरानी एंड शाइट ओरिजिन. तो ये ईरानी एंड शाइट फैमिली को बिलोंग करते थे एंड ये पहली बार जब गवर्नर बने इसके तो वो 1722 में बने. तो आपको पता होगा कि मुगल जो थे वो अपने प्रोविंसेस में सूबेदार को अपॉइंट करते थे. तो बुरहान मुल्क उल मुल्क और सादत खान 1722 में अवध के सूबेदार बने और जब वो सूबेदार बने तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी. ट्रबल क्रिएट किया हुआ था बाय द जमींदार्स जो थे और या लोकल चीफ थे जो जिन्होंने टैक्स देना मना कर दिया था स्टेट को एंड दे वर कीपिंग देयर ओन आर्मीज एंड दे हैड बिल्ड देयर ओन फोर्ट्स. तो एक तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते थे. तो जो बुरहान उल मुल्क हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवारी थी इस चीज़ को कंट्रोल करने की अगर वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहते थे अवध में. एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दिस टास्क एंड ही सबड्यूड ऑल दोज रिबिलियस जमींदार्स. तो इस एफर्ट की वजह से जो इनको सक्सेस मिली ये जमींदार्स को सबड्यू करने में उसकी वजह से जो टाइटल था बुरहानुल मुल्क का वो कन्फर किया गया इनके ऊपर बाय द एम्परर मोहम्मद शाह. सो यू कैन इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि सादत खान वाज हिज ओरिजिनल नेम और उनको जो टाइटल था वो मिला था बुरहानुल उल मुल्क का और ये दिया गया था एम्परर मोहम्मद शाह के द्वारा जब उन्होंने लोकल जमींदार्स को रिबिलियस जमींदार्स को अपने कंट्रोल में कर लिया. एंड नाउ द थिंग इज़ दैट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स होते थे जो सूबेदार्स होते थे पहले क्या होता था कि जब मुगल अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग थी दे वर नॉट हेरिडिटरी. तो जो ये सूबेदार्स थे वो रेगुलरली एंड डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते थे बाय द मुगल एम्परर और ये हेरिडिटरी नहीं थे और इनको जो कोई भी सूबेदार किसी प्रोविंस का बनता था चाहे वो बंगाल का हो चाहे अवध का हो चाहे आपका डेक्कन का हो तो वो सारे जो हैं वो मुगल एम्परर अपॉइंट अपने बिहाफ से अपॉइंट करता था और जो उसको एफिशिएंट लगता था
उसको अपॉइंट किया जाता था. तो व्हेन दिस दिस पर्सन दैट इज सादत खान व्हेन ही वाज द नोबल ऑफ मुगल कोर्ट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब व्हेन दिस डर्टी पॉलिटिक्स बिगेन इन द मुगल कोर्ट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मेरा इस यहाँ पे कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है एंड आई हैव टू लीव इट. एंड दे लेफ्ट द मुगल कोर्ट एंड एंड वेंट टू अवध टू कार्व हिज ओन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी. तो उन्होंने अपना अलग से बनाने का सिस्टम डिसाइड किया एंड अवध में उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जाके मैं अपनी पावर को इस्टेब्लिश करता हूँ एज एन ऑटोनमस रूलर. तो हम बार बार बात कर रहे हैं ऑटोनमस रूलर की या इसकी ऑटोनमी की अवध की. तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए कि ऑटोनमी का मतलब ये नहीं था कि इन्होंने कम्प्लीटली अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी मुगल अथॉरिटी से. उन्होंने कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस नहीं अनाउंस करी. उन्होंने फॉर्मल टाइज रखे लेकिन सिर्फ वो जो टाइज थे वो नॉमिनल थे, नाम के थे. एक्चुअल में ये जो सूबेदार्स थे वो चाहे वो अवध के थे, चाहे वो बंगाल के थे, चाहे वो डेक्कन के थे, तो वो ओरिजिनली वो एक तरह से प्रैक्टिकली दे वर ऑटोनमस एंड दे वर इंडिपेंडेंट. तो सबसे पहला उन्होंने काम क्या किया कि उसको हेरिडिटरी बनाने के लिए, जो सूबेदारी थी अवध की तो उसको हेरिडिटरी बनाने के लिए ही गोट हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ दैट इज सफदरजंग अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ अवध द मुगल एम्परर. सो व्हेन हिज सन नेफ्यू एंड सन इन लॉ बिकेम द सफदरजंग देन इट बिकेम वेरी मच क्लियर दैट द स्टेट ऑफ अवध इज मूविंग टूवर्ड्स द autonomy and it is moving towards becoming as a hereditary possession. तो जो एक तरह से रास्ता था वो खुल गया hereditary possession का अवध का. तो बात आती है अब एक्सपेंडिंग द इन्फ्लुएंस. तो जब सादत खान यहाँ पे इन्होंने अपना अपनी ऑटोनॉमी और अपने आप अपने हाथ में हेरिडिटरी पोजीशन ले लिया अवध का, तो इन्होंने फोकस किया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए. तो काफ़ी रीजन्स थे जो अवध के आसपास के थे, जैसे कोरा हो गया, जहानाबाद हो गया, बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया एंड चूनागढ़ हो गया. तो यहाँ पे सभी पे जो थे इन्होंने अपना कंट्रोल को इन्हांस किया और कंसोलिडेट किया. और ऐसा करते करते उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो मुगल टेरिटरी से उनको निकाला. बेसिकली उन्होंने अपनी अथॉरिटी उन रीजन्स पे बनाई एंड ये इंश्योर किया कि साथ की साथ जो मुगल कोर्ट है, जो मुगल एम्परर हैं, उसके साथ टाइज ना ब्रेक हों. तो एक तरह से फॉर्मल टाइज रखे और कम्युनिकेशन बना के रखी और कह कह के कि हमने ये कर लिया, हमने वहाँ पे पावर कंसोलिडेट कर ली. तो एक मस्के से लगा के इन्होंने मुगल कोर्ट एम्परर को वो इन जगह पे अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाते रहे. तो अब बात आती है बैटल ऑफ करनाल में इनका रोल. तो देखिए बैटल ऑफ करनाल के बारे में आपको मैं बता दूं कि नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739. तो जब इन्वेड किया तो ऑफ कोर्स मुगल एम्पायर तब भी एग्जिस्टेंस में था. हाउएवर इट वाज नॉट इन दैट स्ट्रेंथ इन विच इट यूज्ड टू बी अर्लियर. तो उस टाइम पे जब मुगल एम्परर थे वो थे मोहम्मद शाह. तो नादिर शाह ने जब इन्वेड किया तो जो एक तरह से नादिर शाह और मुगल एम्परर जो मोहम्मद शाह हैं उनका एक तरह से सामना हुआ इन द बैटल ऑफ करनाल. करनाल में एक लड़ाई हुई बैटल ऑफ करनाल जिसमें ये जो मोहम्मद शाह और जो नादिर शाह हैं वो एक दूसरे के सामने आए. एंड इस बैटल में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सादत खान ने अकम्पनी किया मुगल एम्परर को. अब मुगल एम्परर को उन्होंने अकम्पनी किया और उन्होंने अपना फेथ उनमें डिक्लेयर किया और उनको हेल्प करने की उनका प्रण लिया. लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जब उन्होंने पाया कि ये जो हैं अपना जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं उनको इन्होंने मीर बख्शी बना दिया मुगल एम्परर ने, तो वो एक तरह से इनसे खफा हो गए एंड ही देन चेंज्ड साइड्स एंड ही जॉइंड हैंड्स विद द नादिर शाह. और नादिर शाह के साथ इन्होंने हाथ मिला लिए एंड एक तरह से अपना उस चीज़ का अपनी इस जो एक ह्यूमिलिएशन उनका किया गया था उसका बदला लेने के लिए इन्होंने मुगल एम्परर का साथ छोड़ दिया. लेकिन जब क्या हुआ कि जब नादिर शाह
जीत गया एंड ही व्हेन ही सैक्ड दिल्ली अच्छी तरह से उसको लूट लिया देन व्हाट ही डिड ही स्टार्टेड डिमांडिंग रुपीज 20 करोड़ फ्रॉम सादत खान. तो एक तरह से 20 करोड़ वॉज अ वेरी बिग अमाउंट और उस अमाउंट को पे करना इतना ईजी नहीं था. तो फ्रस्ट्रेशन में क्या हुआ कि सादत खान ने सुसाइड कर लिया ऑन द नेक्स्ट डे व्हेन द दिल्ली वाज सैक्ड. सो प्रीवियस डे द दिल्ली वाज सैक्ड एंड नेक्स्ट डे ही कमिटेड द सुसाइड व्हेन नादिर शाह डिमांडेड रुपीज 20 करोड़ एज अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट विच ही सेड ही इज एंटाइटल्ड टू एज अ न्यू मुगल एम्परर. तो अब सक्सेसर्स की बात आती है. तो अब मैंने आपको बताया कि नादिर शाह ने इन्वेड किया और मोहम्मद शाह को हरा दिया. इतना ह्यूमिलेशन हो गया था कि उनका जो जिस तख्त पे बैठते थे मुगल एम्परर तख्ते तोस वो भी उठा के ले गया नादिर शाह. और जो नादिर शाह थे वो सिर्फ 2 महीने के लिए एम्परर रहा अपना यहाँ पे इंडिया में एंड देन ही लेफ्ट इंडिया एंड इन व्हाट ही डिड इन केस ऑफ अवध. उन्होंने अवध के केस में क्या किया कि सफदरजंग जो उसके सादत खान के सन एंड लॉ थे एंड नेफ्यू थे उसको रिकॉग्नाइज कर लिया एज द नवाब ऑफ अवध बट इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज 2 करोड़. तो जो ये सफदरजंग थे इनको पेशकश करनी पड़ी 2 करोड़ की तभी जाके ये रिकॉग्नाइज हुए नादिर शाह के द्वारा एज द नवाब ऑफ अवध. तो फर्दर जो सफदरजंग थे इनको अपॉइंट कर लिया गया वज़ीर इन द मुगल कोर्ट बाय द मुगल एम्परर अहमद शाह. तो सफदरजंग के बाद जो आए वो थे शुजाउद्दौला. तो ये जो बातें हैं क्वाइट फैक्चुअल हैं बट दे आर इम्पोर्टेंट व्हेन यू लुक फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव ऑफ प्रिलिम्स और व्हेन यू लुक फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव ऑफ एमसीक्यूज. तो जब शुजाउद्दौला एम्परर बने नवाब बने ये नवाब बने 1754 में और 1775 तक ये नवाब बने रहे. तो सफदरजंग की डेथ के बाद उनके जो लड़के थे शुजाउद्दौला ही वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अवध. तो जब ये अपॉइंट हुए तो इनकी जब ये रूल कर रहे थे अवध में तो इनके रीन के बीच में जो है इन 1761 अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान से इंडिया जो अफगान बैकग्राउंड का है वो इंडिया को इन्वेड करता है. और जब वो इन्वेड करता है देन ऑफकोर्स जो उसकी बैटल होनी थी वो किसी से तो होनी थी एंड देन एट दैट टाइम द मराठास वर strong in northern India also. So they had extended their control up to the northern India also. तो battle of Panipat जो हुई उसमें जो सामना हुआ अहमद शाह अब्दाली का वो हुआ मराठा से. तो इस बैटल में बेसिकली मराठास हार गए थे एंड ये इट वॉज अ काइंड ऑफ अ वेरी सीरियस ब्लो टू द प्रेस्टीज ऑफ मराठास. एंड अब जब इन्होंने इन्वेड किया अहमद शाह अब्दाली में और जब बैटल ऑफ पानीपत होनी थी तो जो शुजाउद्दौला थे अवध के इन्होंने हाथ मिला लिया अफगान इन्वेडर के साथ दैट इज़ अहमद शाह अब्दाली के साथ ताकि वो अपने ओपोनेंट्स को एक तरह से ह्यूमिलेट कर सके उनको हम्बल कर सके. तो ये इनका रोल रहा ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत एंड देन एक बात उसके बाद हुई कि बैटल ऑफ बक्सर भी हुई. तो यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस बैटल बट वी विल बी कवरिंग इट इन डिटेल इन द लेक्चर इन विच वी विल बी कवरिंग द डिटेल ऑफ द राइज इन ब्रिटिश सुप्रीमेसी. सो बैटल ऑफ बक्सर एक तरह से बैटल हुई थी बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड थ्री अदर persons that were basically the political kind of political authorities in different parts of India. तो वो political authorities कौन थी? तो एक थे नवाब ऑफ बंगाल, एक थे मुगल एम्परर खुद एंड फिर उसके बाद थे शुजाउद्दौला जो नवाब थे ऑफ अवध. तो 3 बंदे एक साइड पे नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर एक साइड पे एंड दूसरी साइड पे कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी. तो इस ये जो बैटल थी इसमें जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और जो अलाइज थे शुजाउद्दौला के और वो इस बैटल को हार गए.
तो अब देखिए, अब जब बैटल हार जाते हैं तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो उसका होता है, तो उसका जो जो इम्पैक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, उसकी फॉर्म में क्या हुआ कि जो इम्पैक्ट एक्चुअल में शुजाउद्दौला के ऊपर जिसने मतलब मीनिंगफुल असर डाला वो था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। तो 1765 में द नवाब ऑफ अवध दैट इज़ शुजाउद्दौला वॉज फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जिसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे वार इंडेमनिटी मांगी 50 लाख रुपए की। वार इंडेमनिटी होती है कि देखिए, इसको आप बोल सकते हो कि इंडेमनिटी इज़ अ टर्म ऑफ काइंड इज अ टर्म विच इज इट इज़ अ लीगल टर्म विच इज़ यूज्ड व्हेन फॉर एग्जांपल आप किसी का नुकसान कर देते हो एंड आपने जो नुकसान उस बंदे का किया है, फॉर एग्जांपल उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो उस प्रॉपर्टी को जब नुकसान पहुंचा है तो उसका भरपाई अगर आपको करनी होती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी बोलते हैं, कि हाँ कि हाँ इस बंदे ने मेरा इतना नुकसान कराया और मैं कोर्ट से डिमांड करता हूँ कि मुझे इंडेमनीफाई किया जाए इतनी अमाउंट से, तो फिर कोर्ट इंडेमनीफाई करती है। तो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बड़े चलाक थे, ये बैटल्स खुद वेज करते थे और वेज करने के बाद जब ये जीत जाते थे तो ये बोलते थे कि हमारे ऊपर वॉर जो वॉर थी या बैटल थी इम्पोज करी गई और हमारा लॉस किया गया प्रॉपर्टी का और पर्सनल लॉस भी किया गया, उसकी वजह से ये इंडेमनिटी जो थी वो ठोक देते थे एक तरह से सिर पे। तो 50 लाख रुपए उन्होंने मांगे और उनको देने पड़े नवाब ऑफ अवध को, शुजाउद्दौला को, और साथ में उनको एक ऐसा एग्रीमेंट करना पड़ा जो कि बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं था। वो एग्रीमेंट था रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर द डिफेंस ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी। तो उन्होंने ये प्रॉमिस कर लिया कि वो एक दूसरे की टेरिटरी को डिफेंड करेंगे। अब देखिए, डिफेंड करने में क्या होता है कि आप कह तो देते हो, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि हम आपको कैसे डिफेंड करेंगे, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले में हम आपसे पैसे लेंगे, तो जब आप उनको पैसे देते हो और उनसे उनकी आर्मी लेते हो जो उन्होंने रिक्रूट किया, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इन अ सेंस वो जो है, वो जो आर्मी होती है दैट इज़ बेसिकली दो सोल्जर्स आर द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑफ कोर्स जब उनको ईस्ट इंडिया कंपनी पे करती है, हालांकि नवाब से लेके, देन जो कंट्रोल होता है उस आर्मी के ऊपर वो होता है एसेंशली ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली नवाब के पास ना तो आर्मी रहती है ना तो पैसे रहते हैं, पैसे भी उनसे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं एंड ऑफ कोर्स आर्मी तो प्रोवाइड कर दी जाती है लेकिन वो आर्मी इनफैक्ट जो असली अथॉरिटी होती है उसको छीन लेती है। बिकॉज अगर आपके पास आर्मी ही नहीं है अपनी, देन व्हाट यू हैव, तो आप सिर्फ एक नाम के एक तरह से नवाब हुए। तो इन 1773 जैसे अब अवध थोड़ा प्रोस्पेरस प्रोविंस था, तो कंपनी जो थी, कंपनी एक तरह से भारत को लूटने आई थी एंड इट वाज काइंड ऑफ माइड बाय इट्स ग्रीड, और इनके अंदर काफ़ी लालच था और इन्होंने क्या किया कि 1773 में इन्होंने नवाब को फोर्स किया कि वो उनको जो है 210,000 रुपये मंथली देंगे फॉर ईच ब्रिगेड ऑफ कंपनी दैट वुड रिमेन प्रेजेंट इन अवध। तो उन्होंने कहा कि हम आपको देखिए आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सोल्जर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारी हर एक ब्रिगेड होगी जो अवध में स्टेशनड होगी उसका हम 210,000 रुपये मंथ का लेंगे। तो आप इमेजिन करिए दैट द टाइम इज ऑफ 18th century एंड दिस पीरियड इज ऑफ 18th century और उस टाइम पे 210,000 कितनी बड़ी अमाउंट होती होगी और वो भी एक सिर्फ एक ब्रिगेड का, पर ब्रिगेड उन्होंने 210,000 मांगे और नवाब को वो एग्री करना पड़ा। अब देखिए, अब नवाब पैसे भी दे रहे थे और सीधा उन्होंने पैसे दे के खुद बुलवाई ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी अपनी टेरिटरी में। तो ये एक तरह से कितने आप सोच सकते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कितनी डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया की कन्क्वेस्ट कर रही थी, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि दे प्लेड द मास्टर स्ट्रोक्स इन डिप्लोमेसी। तो ये जो डिमांड थी इसने काफ़ी ज़्यादा इनडेप्थनेस इंक्रीज कर दी अवध की, और साथ ही साथ में जो
फॉरेन आर्मी की जो प्रेजेंस थी अवध के बीच, अवध के अंदर, उसने क्या कर दिया कि नवाब को एक सिर्फ सिंबॉलिक अथॉरिटी बना के रख दिया, क्योंकि एक्चुअल में उनके पास कोई और पावर तो बची नहीं, पैसे भी वो दे रहे हैं, आर्मी भी उनकी डिसमेंटल हो गई है, और आर्मी की सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली पर्पज़ था टू कन्क्वेस्ट एज मच पार्ट ऑफ इंडिया एज इज पॉसिबल। तो अब जब आप नाम के नवाब रह जाते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन बी मैनिपुलेटेड एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी अपने हिसाब से इनको अपने एक तरह से फतवे सुनाया करती थी कि हमारे लिए ये करो, ये करो, वो करो। तो अब इनके बाद शुजाउद्दौला की जब डेथ हो गई तो उनके बाद उनके जो बेटे हैं वो नवाब बने अवध के। तो ये जो असफ़ुद्दौला थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे कल्चरल एक्टिविटीज़ में, दे ही वॉज़ अ ग्रेट पैट्रन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। एंड वन थिंग विच ही डिड वाज ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ। वो लखनऊ उन्होंने अपनी जो पहले क्या था जो नवाब ऑफ अवध थे उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी दैट वॉज बेसिकली दैट यूज टू बी फैज़ाबाद, अब उन्होंने शिफ्ट करके लखनऊ कर ली। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, तो उसकी वजह से जो इन्होंने पैट्रोनेज प्रोवाइड करी, जो इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करी कल्चरल एक्टिविटीज़ को, उससे क्या हुआ कि एक डिस्टिंक्ट कल्चर अराइज हुआ लखनऊ में, जिसको लखनऊ कल्चर के नाम से भी आज जाना जाता है। तो लखनऊ की काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप बोल सकते हो कि काफ़ी इनके GI टैग्स हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं, एंड काफ़ी इनकी डिफरेंट क्राफ्ट्स में इनकी स्पेशलिटी है इनकी। और एक चीज़ उन्होंने जो मतलब कि आर्किटेक्चर के फॉर्म आर्किटेक्चर की फॉर्म में बनाई वो थी बड़ा इमामबाड़ा। तो अब ये थी इनके बारे में थोड़ी सी बात। इनके बाद भी बहुत सारे नवाब जो हैं वो आए, लेकिन अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू सबड्यू द होल ऑफ इंडिया, और इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए दे फाइनली अनेक्स्ड दिस द स्टेट ऑफ अवध टू द कंपनीज एम्पायर इन 1856 में उन्होंने इसका जो अवध की स्टेट को था अपनी टेरिटरी के साथ मिला लिया। तो जो इंडिपेंडेंट एक तरह से स्टेटस था वो ख़त्म हो गया, अब नवाब वाली बात ख़त्म हो गई क्योंकि कंट्रोल अब आ गया सीधा सीधा, वैसे तो पहले भी था, अब सीधा दिखने में भी आ गया उनके हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये जो है फोटोग्राफ आई हैव एडेड टू दिस प्रेजेंटेशन इज़ ऑफ बड़ा इमामबाड़ा। सो यू कैन सी इट इज़ अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग एंड This is all about today's lecture. तो आपको ये lecture अगर अच्छा लगा तो please do ensure that you like it, share it with your friends and also ensure that you subscribe to our channel. तो आपको एक screen पे link दिख रहा होगा, वो हमारे telegram channel का link है, and if you want to remain in touch with us and want to remain in touch with the updates that we bring relating to your preparation for the exam, then do ensure that you subscribe to our channel, telegram channel. The link of this telegram channel will also be provided in the description box, so you can check the description box, you can go there and click on that link, you will be redirected to our telegram channel where more than 28,000 students are associated with us and this community is increasing day by day. So aap piche na kahin reh jaye isliye do ensure that you subscribe, and this is all about today's video. Thank you, have a very nice day ahead.